कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप हमेशा शब्दों के रेपुटेशन को अच्छा नहीं मानते, ये सत्य है। वो कहते हैं कि जो हर एक दिन आप भोजन करते हो, जैसे रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, तो ये भी तो रेपुटेशन ही है, बिल्कुल रेपुटेशन। लेकिन ये भोजन का रेपुटेशन है। जब आप भोजन कर रहे हो तो हर एक दिन आपको यदि वही सेम अनुभव, सेम टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो रेपुटेशन है। तो अनुभव का रेपुटेशन मत करो। सेम चीज खा रहे हो, रोटी रोज खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, दाल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन दाल में यदि आपका ध्यान सिर्फ नमक वाले ही टेस्ट पर डोमिनेंट है तो सेम रेपुटेशन है। लेकिन दाल में यदि आपको हल्दी का भी टेस्ट मिल रहा है, दाल का भी टेस्ट मिल रहा है, और मसालों का भी टेस्ट मिल रहा है, घी का भी टेस्ट मिल रहा है, हर एक दिन आपके अनुभव में बदलाव होता है और डीपर लेवल पर आप भोजन को अनुभव करते हो। ध्यान दो, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा दाल खिलाओ से पूरा अनुभव नहीं कर सकता उसमें क्या क्या है, पर जब आप मेच्योर हो जाते हो, अनुभव की आपकी कला बढ़ जाती है, तो आप ज्यादा अनुभव कर पाते हो कि दाल में क्या क्या मिक्सिंग। तो आप रेपिटेशन थोड़ी कर रहे हो, बचपन में भी आप दाल खा रहे थे, अभी भी दाल खा रहे, लेकिन दाल में आपने बहुत सारी चीज बता दिया कि क्या है, इवन कि प्याज की स्मेल भी बता देते हो। तो ये वस्तु को रिपीट कर रहे हो, भोजन को रिपीट कर रहे हो, डेली कर्म को रिपीट कर रहे हो, लेकिन आपके अनुभव में डीपर अनुभव का क्षेत्र बढ़ रहा है, यही आपको करना है। लेकिन शब्द को जब आप रिपीट करते हो तो शब्द का अनुभव कैसे बदलोगे? यदि आप शब्द को इमेजिनेशन में लाओगे तो इमेजिनेशन में यदि आप अनुभव बदल रहे हो तो वो तो शब्दों के माध्यम से है, वो प्रैक्टिकल वस्तु से डायरेक्ट जो आप प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करके जो आप अनुभव करते हो वो नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं, वो एक शाब्दिक कल्पना से लिया गया अनुभव है जो कि कहीं ना कहीं फेक है। आप किसी भी कल्पना को अनुभव में डाल सकते हो, आप किसी भी काल्पनिक आकार को लो और उसको आप अपने अनुसार से अनुभव कर सकते हो। लेकिन जैसे दाल या प्रेजेंट कोई सिचुएशन है, उसको आप प्रेजेंट सिचुएशन के ही रूप में अनुभव करना पड़ेगा, आप उसे बदल नहीं सकते। दाल है तो दाल का टेस्ट ही लेना पड़ेगा। अब उसमें दाल में क्या क्या मिला है, कैसे कैसे टेस्ट है, उसमें यदि डीपर लेवल पे जाओगे तो ज्यादा अनुभव कर लोगे। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये ज्ञानात्मक है, ये अनुभवात्मक है, इसे कर्मा भी कह सकते हो, कर्म योग भी कह सकते हो, इसे हठ योग भी कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो। अब जैसे हठ योग में शरीर को अनुभव करना है, सांस को अनुभव करना है। अब सांस को आप अनुभव कर रहे हो, सांस में क्या चेंज कर दोगे? हयते भी कुछ लोग चेंज करते हैं, इसमें भी सांस को नीला पीला, सांस में भगवान की कल्पनाएं। अब सांस को सांस के फॉर्म में अगर आप अनुभव कर रहे हो तो परफेक्ट है, लेकिन अब चूंकि हमारी इमेजिनेटिव टेंडेंसी किसी को भी अनुभव कर रही होती है, प्रैक्टिकल को भी, तो उसमें भी अपनी कल्पनाओं को झोंक देती है, यहां हम गड़बड़ करते हैं। पर ध्यान दो, शब्दों की रेपिटेशन, रोज शब्द बोलते हो आप, सेम शब्द बोलते हो, लगभग 99% जितनी भी वोकैबुलरी है उसमें आप प्रतिदिन अगर देखो तो बहुत सारी रेपिटेशन होती है, लेकिन वो भिन्न भिन्न जगहों पर अप्लाई करते हो, सेम जगह पे थोड़ी ना अप्लाई करते हो। भोजन कर रहे हो कुछ और बोल दिया, भोजन करने में स्वाद, स्वाद के बारे में बोला कुछ और बोला, मतलब सेम शब्द को यदि आप रिपीट कर रहे हो उसी पर्पस के लिए और उससे कुछ मिल नहीं रहा है, केवल शब्द ही घूम रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़। इसका मतलब आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को आप हाइपर ओवर एक्टिव कर रहे हो और आप गड़बड़ कर रहे हो।